लॉकडाउन के तहत आज हम आए हैं जिलों की नगरी उदयपुर के गुलाबबाग में। आप कभी गुलाबबाग में घूमने आए हो या देखने आए हो या रोज आते हो तो आज हम आपको दिखाएंगे गुलाबबाग के कुछ दृश्य। यहाँ पर पूरी तरह से लॉकडाउन के तहत गुलाबबाग में आने पर सभी पर प्रतिबंध हैं और इसी प्रतिबंध के चलते लॉकडाउन के तहत गुलाबबाग में अभी बिल्कुल सूनापन है। आप देख रहे हैं पूरे के पूरे ये जो मैदान है जहाँ पर बुजुर्गों की बातें, छोटे बच्चों की किलकारियाँ और महिलाओं की घर की बातें, भजन गीत आदि, और जो खेलना कूदना यहाँ पे होता था और एक हलचल गुलाबबाग में नज़र आती थी, रेलम पेल नज़र आती थी लोगों की, वो आज पूरी तरह से सुनसान आपको ये नज़ारा दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से यहाँ की आबो हवा आप देख रहे हैं, पूरी तरह से पक्षी भी यहाँ पर लग रहा है इनको कि लोग यहाँ पर आ नहीं रहे हैं, उनको भी सुनापन लग रहा है शायद। ये हम आपको दिखा रहे हैं उदयपुर के गुलाबबाग की कमल तलाई के दृश्य। जहाँ पर कमल तलाई बनाई गई है वहाँ पर पानी की आप स्थिति देखेंगे तो पानी पूरी तरह से, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कहीं कमल तलाई नहीं होके और कमल गार्डन हो। आप पानी की स्थिति देखेंगे, पानी पर पूरी तरह ये ऐसी पत्तियाँ और कांजी जम के और पूरा मैदान का रूप ले चुकी है। अगर कोई जाने अनजाने में यहाँ पे आए और ध्यान नहीं रखे तो एक बार तो वो पानी के अंदर गिर जाएगा, जैसा महाभारत में हुआ था कि दुर्योधन जहाँ पे उसको पानी लग रहा था वहाँ पे पानी नहीं था, और पानी नहीं था वहाँ पे पानी था, और इसी से महाभारत हो गई। लॉकडाउन जब खुलेगा तब लोग यहाँ पर आएंगे, पर्यटक आएंगे, देसी और विदेशी भी, उनको गुलाबबाग अच्छा लगे, कमल तलाई अच्छी लगे, इसके लिए नगर निगम और जो भी संस्था यहाँ पर कार्यरत हैं गुलाबबाग के लिए जिम्मेदार हैं, उनको अभी से कुछ ऐसी कवायद शुरू करनी चाहिए कि यह तलाई पूरी गार्डन नहीं लग के और कमल तलाई जैसी ही बन जाए और इसमें कमल खिले। सभी की यही भावना रहती है कि जहाँ पे भी दर्शनीय स्थल पर जाए, जहाँ पे भी पर्यटकीय स्थल पर जाए, वहाँ पर उनको अच्छा दिखे। तो ये गार्डन तलाई में परिवर्तित हो जाए और अच्छी सुंदर फिर कमल तलाई बने। जिलों की नगरी उदयपुर के गुलाबबाग यानी कि सज्जन निवास उद्यान महाराणा सज्जन सिंह जी द्वारा निर्मित इस उद्यान को देखने देश और विदेश के लाखों पर्यटक आते हैं और स्थानीय नागरिक भी इसमें रोजाना कोई घूमने, कोई दौड़ने, तो कोई सुकून के लिए यहाँ पर आता है। और लॉकडाउन के चलते इसके हालात अभी सुनसान दिखाई दे रहे हैं। आप देख रहे हैं ये गुलाबबाग के नज़ारे पूरी तरह से सुनसान। ये गुलाबबाग बाहें पसारे आपका इंतज़ार कर रहा है कि कब लॉकडाउन खुले और आम जनता के साथ देसी विदेशी नागरिक भी यहाँ पर आए और सुकून और पर्यटकीय स्थलों पर हम जाएंगे
और वहाँ की बातें, वहाँ की आबोहवा, वहाँ के दृश्य आपको दिखाएंगे। हेमेंद्र श्रीमाली, उदयपुर।